बीएससी इंजीनियरिंग इन डाटा साइंस, तो इस तरह के ऑनलाइन प्रोग्राम को चलाना आईआईटी ने भी शुरू किया है। ये आईआईटी भिलाई अपनी शिक्षा के माध्यम से भी जाना जाएगा। ऐतिहासिक बदलाव आए हैं जो स्कूली शिक्षा को बना रही है और भी बेहतर। पर अब आपका अपना आईआईटी आ गया है, आईआईटी छत्तीसगढ़ आ गया है। डिप्लोमा और स्किल डेवलपमेंट की डिग्री होगी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, जो कि यहाँ के लिए बड़ा महत्व रखती होगी। पहले हम जब किसी से कहते थे कि भिलाई में रहने वाले, तो लोग कहते थे अच्छा वो भिलाई जहाँ पे भिलाई स्टील प्लांट है। मगर इस पहचान वाले क्रम में एक और नाम जुड़ चुका है, वो नाम है आईआईटी भिलाई का। मेरे साथ डायरेक्टर साहब मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्या है पूरा विस्तार से बताएंगे। सो धन्यवाद सर्वप्रथम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आईआईटी भिलाई परिवार की और अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने जिसका संकल्प लिया था 2018 जून में, आज उसको सिद्ध किया, उसकी सिद्धि प्राप्ति हुई और इस कैंपस को राष्ट्र को समर्पित किया गया। आपने एकदम सही कहा, भिलाई एक स्टील सिटी है, माइनिंग सिटी है और अब भिलाई जाना जाता है अपने स्टील प्लांट से, पर अब ये आईआईटी भिलाई अपनी शिक्षा के माध्यम से भी जाना जाएगा। शुरू से आईआईटी भिलाई भले ही यहाँ नया आया हो, पर शुरू से ये एजुकेशन का हब रहा है। यहाँ पे बहुत ही मेधावी छात्र रहे हैं, यहाँ के छात्र आईआईटी में बहुत पहले से हैं और हमारे पूरा छात्र के रूप में जो अलग अलग आईआईटीज़ में भिलाई के छात्र हैं वो हमसे जुड़ रहे हैं और वो लोग यहाँ पे सहयोग देने की बात कर रहे हैं। पर अब आपका अपना आईआईटी आ गया है, आईआईटी छत्तीसगढ़ आ गया है। एक बार बार सवाल आता है कि ये तो जेई से परीक्षा से यहाँ आएंगे, गेट की परीक्षा से आएंगे, तो अपने छत्तीसगढ़ के छात्र छात्राएँ कितना उसमें सफल हो पाएंगे। नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि अब आईआईटी और भी तरह के पाठ्यक्रम ला रहा है। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत बहुत से और तरीके बनाए गए हैं कि जिसमें कैसे और भी स्कूल कॉलेज के छात्र हमसे जुड़ सकते हैं, जैसे ऑनलाइन प्रोग्राम का बनाना। आपने सुना होगा कि डाटा साइंस BSc इंजीनियरिंग इन डाटा साइंस, तो इस तरह के ऑनलाइन प्रोग्राम को चलाना आईआईटी ने भी शुरू किया है। अगले सत्र से आप देखेंगे ऑनलाइन प्रोग्राम हमारे हैं जिसमें अभी JEE और गेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डिप्लोमा और 2 साल के डिग्री जैसे प्रोग्राम्स होंगे, तो उसमें आपको स्किल डेवलपमेंट का, स्किल अपग्रेडेशन के भी मौके मिलेंगे। और भी IITs कर रहे हैं, हम भी करेंगे और वैसा ही करने की कोशिश या प्रयास किया जा रहा है जिससे कि यहाँ के लोगों, यहाँ के छात्रों को मिले। एक दूसरा तरीका और अपनाया है हम लोगों ने कि यहाँ के कॉलेजों, जो यूनिवर्सिटियाँ जो पहले से हैं, हम उनके साथ जुड़ रहे हैं, MOU करके वो पाठ्यक्रमों को साथ में चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इसी क्रम में हम पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी के साथ हमने ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम का वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि 1 या 2 ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम चलाएंगे, तो जिससे उनके छात्रों को IIT में पढ़ने और यहाँ के शिक्षकों से पढ़ने का मौका मिलेगा। कितने एकड़ में फैला हुआ है? 400 एकड़ में करीब करीब फैला हुआ IIT भिलाई का कैंपस है। जितनी बिल्डिंगें हैं छत्तीसगढ़ की, अलग अलग नदियों के नाम पे नाम रखा गया है। हाँ, आज हम लोग यही बात कर रहे थे कि हम अपनी ज्ञान परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा को लेके साथ चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ का जो अपना नॉलेज सिस्टम है, ट्राइबल नॉलेज है, उसको लेके चल रहे हैं, तो यहाँ की नदियों का, यहाँ के पर्वतों के नाम से, यहाँ के भवनों के नाम हैं। कितनी बिल्डिंगें हैं और नदियों के नाम पर? कुल 20 बिल्डिंगें हैं जिनको अलग अलग नदियों और पर्वतों के नाम से रखे गए हैं। अगर आप इस हमारे नागार्जुन पथ, इसको हमने बोला है इस गैलरी को, अच्छा। अगर आप इस गैलरी में एक बार चलेंगे तो देखेंगे कि इसमें कैसे गोंड आर्ट और छत्तीसगढ़ की जो आर्ट है, बस्तर आर्ट, उसकी कलाकृतियों को इसमें सजाया गया है। तो जैसे आप बताए नागार्जुन पाथ बनाया गया, क्यों, कॉन्सेप्ट कहाँ से आया ये वाला? एक तरह से ये ज्ञान के लिए पाथ है जी, क्योंकि ये जो कॉरिडोर है ये सारे आपके जो विज्ञान के, इंजीनियरिंग के, आधुनिकतम इस इंस्ट्रूमेंट्स वर्कशॉप के जो भवनों को जोड़ता है। इन 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 गैलरी से चलते हुए छात्र अपने उन उन डिपार्टमेंट्स में, उन क्लासेस में जा सकते हैं। तो इसको हम लोगों ने ऐसे देखा कि ये ज्ञान का मार्ग है कि इससे होते हुए आप ज्ञान प्राप्ति के लिए जा रहे हैं। देश के जो परिवहन मंत्री वो कहते हैं कि पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट हमें हाइड्रोजन से निकालना होगा, उसके लिए क्या है प्लांट? हाइड्रोजन मिशन इसीलिए शुरू किया गया, हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना है जो पोल्यूशन भी कम करेगा और एनर्जी में हमारी अपनी डिपेंडेंसी अपनी होगी, तो उस पर एक हाइड्रोजन मिशन आया है भारत सरकार का। हम लोग भी हाइड्रोजन एनर्जी की तरफ कार्य कर रहे हैं, जो एक लक्ष्य है कि कम से कम 10 किलोवाट का एक छोटा संयंत्र हम पहले अपना खुद का 1 साल के अंदर बना सकें।
जैसा कि आपने बताया कि JEE और नीट के थ्रू लोग यहाँ पे आया करते थे, मगर अब वो अभी भी आएंगे उससे, बट उसके अलावा भी हम मौका देंगे कि उसके अलावा भी कुछ पाठ्यक्रम ऐसे ऑनलाइन चलाने की कोशिश करेंगे जिसमें उसके अलावा भी लोग आ सकें। ये अन्य IITs में भी है और हमारी इस IIT में भी होगा। इम्प्लीमेंट कर दिया गया, जुलाई 17 से ये शुरू हो जाएगा। लोग अब JEE अलग भी आ सकते हैं, उसके अलग भी पढ़ाई पढ़ने आ सकते हैं, पर ठीक है उनकी डिग्री JEE की डिग्री नहीं होगी, पर उनके डिप्लोमा और स्किल डेवलपमेंट की डिग्री होगी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, जो कि यहाँ के लिए बड़ा महत्व रखती होगी। बहुत बहुत धन्यवाद समझने के लिए सर। थैंक यू। तो ये डायरेक्टर जी हैं जो आप साफ सुन सकते हैं कि अब पहले लोग JEE के माध्यम से एंट्रेंस एग्जाम दिया करते थे, उसके बाद जाकर उनका IIT जैसे बड़े शैक्षणिक संस्थान में उनका एडमिशन हुआ करता था, मगर अब अगर आपको डिप्लोमा करना है IIT से, तो आप अगर JEE का एंट्रेंस एग्जाम नहीं देते हैं उसके बावजूद आपका यहाँ पे एंट्रेंस हो जाएगा और यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। हालांकि वो जो मान्यता होगी वो डिग्री की नहीं, वो डिप्लोमा की होगी। और अलग अलग जो बिल्डिंगें हैं उनका नाम भी छत्तीसगढ़ की, अलग अलग जो संस्कृति हैं, नदियाँ हैं, उनके नाम पर रखा गया है। और इस पाथ में जहाँ पे हम खड़े होकर आपको रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इसे नागार्जुन पाथ कहा गया है। तो क्या कुछ अपडेट रहेगा, देखते रहेगा KP News। धन्यवाद।